ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू जी। शेख साहब, शेख साहब रिजल्ट दें जी, और कोई वोट रिजेक्ट नहीं हुए। रिजल्ट जी, द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन हैज बीन रिसीव्ड। द डिटेल ऑफ द वोट्स विच आर टोटल नंबर ऑफ द वोट कास्टेड 98, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स 98, नंबर ऑफ रिजेक्टेड वोट कोई नहीं। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर एदरी रिसीव्ड 44 वोट्स। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी हैज रिसीव्ड 54 वोट्स। According to the results, Senator Mirza Muhammad Afridi has received more votes than the other candidate. Therefore, he is elected as a Deputy Chairman Senate in term of Sub-Rule 6 of the Rule 9, read with Rule 10 of the Rule of Procedure and Conduct of Business in the Senate 2012. Ji, Senator Mirza Muhammad Afridi, sirab tashreef rahe, vote uthayen ji. सेनेटर मिर्जा साहब तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मिर्जा मोहम्मद अफरीदी सिद्क के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूंगा कि मैं पाकिस्तान का हामी वफादार रहूंगा कि जब कभी मुझे बहसियत चेयरमैन सेनेट काम करने को कहा जाएगा मैं अपने फराज वकारहाए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के आईन और कानून और सेनेट के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेकाम बेबूद और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिए को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा जो कि क़याम-ए-पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान के आईन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत और अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए आमीन। बहुत मुबारक हो आप। जी, अनाउंसमेंट सुन लें। बिफोर वी कंक्लूड टूडेज सिटिंग, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू रूल 15 एंड 16 ऑफ द सेनेट रूल्स रिगार्डिंग इंडिपेंडेंट मेंबर्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ द लीडर ऑफ द अपोजिशन। एज पर दीज रूल्स, एन इंडिपेंडेंट मेंबर इंक्लूडिंग अ मेंबर फ्रॉम फाटा मे एक्सरसाइज हिज ऑप्शन टू ज्वाइन द ट्रेजरी और अपोजिशन बेंचेस एज द केस मे बी within 7 days from today and shall inform Secretary Senate in writing.
Furthermore, members in opposition, including independent members who support the opposition benches, will submit names for the leader of the opposition to the chairman, who shall declare a member as a leader of the opposition who enjoys the support of the majority of the member in the opposition to the government.